हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई, आज की वीडियो है उड़ने वाले कबूतरों का दाना क्या दें। ठीक है भाई, आज उड़ने वाले कबूतरों के दाने के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो भाइयों, जैसे कि आज की वीडियो है हमारी कि उड़ने वाले कबूतरों को दाना क्या दें, आज उसी के बारे में बताएंगे कि उड़ने वाले कबूतरों को दाना क्या देना है। भाई, दाना देखिए, जो टाइमिंग है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस टाइम दाना देना है कबूतर को या किस टाइम नहीं देना है दाना, वो सब चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में ओनली आपको दाना बताऊंगा मैं कि अपने कबूतरों को दाना कौन सा देना है और किस टाइम देना है, ये मैंने बता ही दिया ऑलरेडी पिछली वीडियो में। ठीक है ना भाई, तो मैं आपको यही चीज दिखाता हूँ कि दाना क्या क्या देना है। भाई, जो हम दाना दे रहे हैं वही मैं आपके साथ शो करूंगा। जो और भाई क्या दे रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, बट जो मैं दे रहा हूँ वो मैं आपके साथ शो करूंगा। ठीक है भाई, और जैसे कि और अलग से जो दाने हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। अब जैसे मान लो ये दाना उड़ने वाले कबूतरों के लिए दाना बता रहा हूँ मैं अभी आपको, और इसी तरीके से आपको मान लीजिए बादाम किस टाइम देने, कितने से स्टार्ट करना, पानी कब देना है कबूतर को, किस टाइम पानी देना चाहिए, किस टाइम नहीं देना चाहिए, और जब कबूतर उड़ान पे आ जाए तो कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, वो सब चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, और भाइयों, मैं आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सभी भाई गुड़ की वीडियो कहे जा रहे हैं। भाई, वीडियो गुड़ की मैं डालूंगा, जरूर डालूंगा भाई, मगर जो उससे पहले का प्रोसीजर है, पहले वो चीज होगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज कूद के सीधा मैं आगे पहुंच जाऊं। मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप भाई स्टार्टिंग के डंडे चढ़ने स्टार्ट कर रहे हो, आप एक डंडा चढ़ के, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप टॉप वाले पे पहुंच जाओगे, जो सबसे ऊपर वाला डंडा है उस पे पहुंच जाओगे। भाई, नंबर वाली से जाओगे तभी सही है, अगर आप डायरेक्ट पहुंचने के चक्कर में रहोगे तो चोट खा जाओगे। ठीक है भाई, वीडियो डालूंगा जरूर इंशाल्लाह, और ऐसा भी नहीं है कि लेट डालूंगा, जल्दी ही डालूंगा, क्योंकि मैं खुद कोशिश ये करूंगा कि रोज आपको एक वीडियो मैं आपके लिए शूट करूं, रोज एक वीडियो आपके लिए बनाऊं, मैं खुद ये कोशिश करूंगा। भाई, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो दो चार दिन में लेट हो गई है हमारी, ये भी और इससे पिछले भी लेट हुई थी, मगर इंशाल्लाह आगे को वीडियो मुश्किल लेट होगी। ठीक है भाई, तो जो दाना हम दे रहे हैं वो दाना क्या दे रहे हैं? भाई, दाना बताता हूँ आपको। भाई, पहले मैं दाना आपको बताने के बजाय दिखा देता हूँ जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से भाई ये सोचने लगे कभी कि हमें बता दिया है, पता नहीं खुद क्या दे रहा है। देखो भाइयों, तुम्हारे सामने गेहूं है, सरसों है, और ये वाइट जो है चावल है भाई। ठीक है भाई, तो भाई देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सरसों, गेहूं और चावल, ये तीन चीजें इसमें हमने ऐड की हुई हैं। बाकी चना वगैरह, मक्का वगैरह कोई चीज इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि उड़ने वाले कबूतरों को ये चीज नहीं दी जाती है, पर पिटाई के दौरान तक दे सकते हो, जब आपके कबूतर उड़ने स्टार्ट होंगे तब आपको ये बंद करनी होगी। ठीक है भाई, कोई भाई भी नहीं देता है, ना चना देना चाहिए उड़ने वाले कबूतर को और ना मक्का देनी चाहिए। ये तीन दाने मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीन ही दाने बनाए हैं। इसकी क्वांटिटी क्या क्या रखनी है आपको, ये मैं बताता हूँ भाई आपको। इसमें हमने जो दाना बनाया हुआ है भाई, ये मान लीजिए 3 किलो सरसों, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। ठीक है ना भाई, 2 किलो में 1.5 किलो हो जाए, 2.5 किलो ना हो चावल, बस 2 किलो बहुत है। ठीक है, ये दाना ये हो गया है, इस दाने की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। और भाई, दाना सभी धो ले, धोगे तभी कबूतर को डाले दाना। ठीक है, और इसके अलावा जो हम पर्सनल में एक स्पेशल दाना देते हैं, वो दाना भी मैं आपके साथ शो करूंगा, देना कैसे है उसका तरीका भी और सब कुछ, यानी कि मैं आपके साथ शो करूंगा किस तरीके से वो देना है और क्या क्या उसमें आपको
प्रोसीजर करना है वो चीज भी मैं आपके लिए शो करूंगा उस वीडियो में, ठीक है ना भाई। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो स्पेशल दाना है वो कौन सा है उड़ने वाले कबूतरों के लिए जो कबूतर को मजबूत करेगा, ठीक है। और ये दाना भी आपको चलाना है, ये दाना भी बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। ये दाना देना किस टाइम है भाई? ये वाला जो है ये शाम के टाइम दाना देना है। इसकी टाइमिंग मैंने बता दी आपको कि कितने बजे दाना देना है आपको। ये शाम के टाइम दाना देना है। जो मैं दूसरा दाना बताऊंगा वो आप इससे पहले कभी भी दे सकते हो, सुबह में भी दे सकते हो, शाम में भी दे सकते हो। उसका प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और बादाम वगैरह की बताऊंगा कि किस तरीके से खिलाना चाहिए और कितना बादाम खिलाना स्टार्ट करें कबूतर को, यानी कि सब प्रोसीजर मैं आपके साथ शो करूंगा, ठीक है भाई। जल्दबाजी ना करो, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करो सीखने की, तो इंशाल्लाह समझ में आएगी, ठीक है भाई। तो भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।